डियर, आज लाइट चैप्टर में रे डायग्राम हम लोग देखने चल रहे हैं। रे डायग्राम का यूज जो होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव और कन्वेक्स मिरर जब हम लोग देखेंगे उसमें यूज करेंगे। और इमेज फॉर्मेशन जब भी हम लोग करते हैं, जब भी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट को खड़ा करते हैं तो मिरर क्या करता है, इमेज फॉर्म करता है। और उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट से टू रे जाता है और मिरर से रिफ्लेक्ट करके वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट ऑफ इमेज होता है। तो ये जो रे पास करने का और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे किस वे में जाएगा, इसके लिए एक सर्टेन रूल होता है। और उस रूल को हम लोग सबसे पहले समझते हैं रे डायग्राम के फॉर्म में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो आज हम लोग अभी सबसे पहले समझते हैं कि रे डायग्राम फॉर कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए क्या है। आइए देखते हैं रे डायग्राम। आज का टॉपिक है रे डायग्राम। रे डायग्राम, सबसे पहले रे डायग्राम में हम लोग पहला नंबर में फॉर कनकेव मिरर के लिए लेते हैं। कॉनकेव मिरर, कनकेव मिरर में जो सबसे पहला पोजीशन है, देखिए ये कनकेव मिरर, आउटर है सिल्वर्ड, इनर रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ये कनकेव मिरर का, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका टर्म्स हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये पोल, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और पोल नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सबसे पहला पोजिशन ये हम लोग रे डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट इस लाइन के पैरेलल आ रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इधर कोई ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट से रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज पासिस थ्रू फोकस। ये पहला रूल नंबर वन याद रखना है कि जब भी अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो जब मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्ट करने के बाद हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास होगा, ये याद रखना है। ठीक है, इसको दूसरे तरीका से हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखिएगा, इसका तीन कंडीशन समझिए। पहला समझ गए, दूसरा ये पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे ऑफ लाइट डायरेक्ट इधर से इंसिडेंट हो रहा है, देखिए इधर से, इधर कोई ऑब्जेक्ट होगा, इधर से अगर इंसिडेंट होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही होगा, ये इसका ये कन्वर्स है। ठीक है, दूसरा तीसरा देखिए, ये कॉनकेव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे डायरेक्ट इंसिडेंट होगा ऐसे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, फोकस से गुजरेगा इधर। डायरेक्शन देखिए, व्हेन क्या हो रहा है, इंसिडेंट टुवर्ड डायरेक्टली फोकस से पासिस हो रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका एक और हम लोग बना सकते हैं, देखिए ये पोल और ये कॉनकेव मिरर, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अगर ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये बिलो प्रिंसिपल एक्सिस के है, ये अबव, ये दोनों केस में दोनों ऊपर है और ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रे ऑफ लाइट है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पासेज होगा, ये फोकस से पास होगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हो जाएगा इधर, इधर से जा रहा था, आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर होगा, फोकस से। तो ये पहला ध्यान दीजिएगा कि जब भी क्या देखें यहाँ पे कि व्हेन इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ध्यान दीजिएगा, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और ये कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे। व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज पासिस थ्रू फोकस, ऑलवेज। अगर व्हेन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और यही दो कॉन्सेप्ट दोनों जगह है, व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस, व्हेन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पहला हो गया कॉन्सेप्ट।
ये कॉनकेव मिरर के लिए और ये चार कंडीशन, और चारों एक ही जैसा है। अब इसका एक और कंडीशन देखिए, दूसरा नंबर में, व्हेन रे, ये कॉनकेव मिरर लिया और ये पोल, प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पासिस हो रहा है, ये इंसिडेंट हो रहा, व्हेन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये अपने ही पाथ पे रिट्रेसेज होता है, अपने ही पाथ पे ये रिफ्लेक्ट करके किसी दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, अपने ही डायरेक्शन में रिट्रेसेज हो जाता है ये। और तीसरा जो कंडीशन है देखिए, व्हेन रे पासिस, देखिए पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन रे पासिस थ्रू सर्टेन एंगल, इसको बोलते हैं ऑब्लिकली, तो वो सर्टेन एंगल से ही आफ्टर रिफ्लेक्शन सर्टेन एंगल से ही जाएगा, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा, एंगल आई इक्वल टू आर। व्हेन रे पासिस थ्रू एक सर्टेन एंगल और ऑब्लिकली, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू सर्टेन एंगल, ऑब्लिकली ही पास करेगा। तो ये है इसके रे डायग्राम का रूल, और ये सारे रे डायग्राम को हम लोग यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में, तो ये सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए ये हो गया कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन, अब आते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर का, तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको पूरे को आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। इसमें क्या है, व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस, इंसिडेंट रे पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस केस में क्या है, व्हेन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस इस ओरिजिनल पाथ, अपने ही पाथ पे रिट्रेस हो जाता है। व्हेन रे इंसिडेंट रे पासिस थ्रू सर्टेन एंगल आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज पासिस थ्रू सेम एंगल, या व्हेन इंसिडेंट रे पासिस ऑब्लिकली आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज ऑलवेज पासिस ऑब्लिकली। सो दिस इज द रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर, ओके। नाउ कन्वेक्स मिरर, सेकेंड रे डायग्राम फॉर कन्वेक्स मिरर, आइए सेकेंड है रे डायग्राम फॉर कन्वेक्स मिरर, फॉर कन्वेक्स मिरर। देखिए कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला है कि व्हेन इंसिडेंट रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ऑलवेज पासेस डाइवर्ज करता है, ये क्या कहता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आया इंसिडेंट हुआ, इधर कोई ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट से लाइट आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करता है, डाइवर्ज, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर इधर तो पेंटेड है, बट इसका नेचर क्या होता है, अपीयर्स टू मीट एट फोकस, ऐसा महसूस होगा कि ये फोकस पे अपीयर होगा, पासिस होगा, ठीक। इसका दूसरा कंडीशन क्या होगा, इसी का अपोजिट, देखिए ये कन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे ऐसा आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये फोकस लग रहा है कि ये फोकस से पास होगा, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये तो इधर पेंटेड है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका जस्ट अपोजिट है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है, अभी इधर से रे जा रहा था तो इधर से पास हो रहा था, अभी इधर से आया है तो इधर से पास हो रहा है, सिर्फ बस यही डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट होगा, देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर और ये पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है, ये यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अपने ही पाथ पे क्या हो जाएगा, रिट्रेसेस, ये वन, इसी का अपोजिट है टू, ये थ्री नंबर का कॉन्सेप्ट हो गया। फोर में देखिए, इसमें भी ऑब्लिकली का कॉन्सेप्ट ओवे होता है, जिसको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, ओवे करता है कि व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू सर्टेन एंगल आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये उसी एंगल से ये आई है और ये आर, तो ऑब्लिकली अगर पास कर रहे हैं, ऑब्लिकली अगर लाइट रे आ रहा है एक सर्टेन एंगल से आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी को ओवे करेगा, ठीक है।
तो इसका इसमें और ये नीचे से प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से भी आप इसको दिखा सकते हैं। जैसे अभी एबव प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट रे ऐसे आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे डाइवर्ज करेगा, बट ये अपीयर्स टू मीट एट फोकस, ये फोकस। तो इसको इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। और इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे चल के ये दोनों के रिलेशन बताएंगे कि एफ इक्वल टू आर बाई टू, ये रिलेशन होता है। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन होता है। फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे हम इसका रिलेशन प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये रे डायग्राम था, रे डायग्राम फॉर कनकेव और कन्वेक्स मिरर। ये रे डायग्राम का कहाँ यूज होगा? इस रे डायग्राम को हम लोग यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव और कन्वेक्स मिरर। मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो मिरर क्या करेगा? इमेज फॉर्म करेगा। और उस इमेज फॉर्म करने के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट से टू रे यूज करेंगे, टू रे। और रे जब भी रिफ्लेक्शन के बाद एक सर्टेन रूल से पासेज होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, कि किसी सर्टेन पॉइंट से पासेज होगा, सर्टेन एंगल से पासेज होगा। और ये सारे वो रूल थे जो रे डायग्राम में हम लोग यूज करेंगे। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो डाइवर्ज करेगा बट अपीयर्स टू मिट फोकस। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो रिट्रेसेज अपने ही पाथ पे होगा। सर्टेन एंगल से होगा तो ऑब्लिकली पास करेगा। ये सारे रूल को हम लोग ध्यान में रख के इमेज फॉर्मेशन में करेंगे। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव और कन्वेक्स मिरर, ठीक है, नोट कर लीजिए।